बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आशिफ इकबाल जी आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में आपकी मौजूदगी है और लगातार हम देख रहे हैं कि पल पल की जो बदलाव है, अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल किस प्रकार की हलचल है, क्या सुगबुगाहट है, किन नामों को लेकर ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं मनीषा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जो चर्चा है वो सब कुछ दिल्ली से केंद्रित है। और मैं आपको बताऊं कि पहली बार एनडीए की सरकार बन रही है। आप अभी तक एनडीए की सरकार जरूर दो बार से थी, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी, इसीलिए किसी भी सहयोगी को नाराज होने या खुश होने की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। अगर वो लोग साथ होते थे तो भी दिक्कत नहीं, साथ नहीं होते थे तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार साथ नहीं होने से दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि पूर्णतः रूप से ये एनडीए की सरकार हो रही है और इसमें तमाम सहयोगियों का बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए आप समझिए कि जब कैबिनेट की बैठक आप पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें आपको सहयोगी अपने रंग में दिखेंगे, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो आज चाय पे चर्चा हुई है प्रधानमंत्री के साथ, उसमें सहयोगियों को तरजीह दिया गया। चाहे टीडीपी की बात कर ले, जेडीयू की बात करें, एलजेपी की बात करें, हम की बात करें, सभी दलों से उनके प्रतिनिधि पहुंचे थे। जैसे खासतौर पर अगर टीडीपी की बात करें, दो सांसद थे। जेडीयू की बात करें तो दो सांसद गए थे, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। एलजेपी की बात करें तो चिराग पासवान पहुंचे थे, जीतन राम मांझी हम पार्टी से पहुंचे थे, आरएलडी से जयंत चौधरी पहुंचे थे, अपना दल से अनुप्रिया पटेल पहुंची थी। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग साफ तौर पे आप कह सकती हैं कि इन सहयोगियों के भरोसे इस बार सरकार होगी। इसीलिए बार बार विपक्ष के निशाने पर भी ये सरकार है, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि इस बार वैसाखी की सरकार है, लेकिन ये सबको पता है कि अगर इस वैसाखी की सरकार को भी चला लेने की कुव्वत अगर किसी में है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। क्योंकि आप जिस तरीके से आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अगर इस आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी वो पार करते नजर आ रहे हैं। 394 अभी उनके पास दिख रहा था और उसमें भी एड ऑन सात और हो चुके हैं, सात सांसदों से और बातचीत हो गई है। लगभग ये प्रारूप तय हो चुका है। जिस दिन संसद में शपथ ग्रहण या संसद में जब आपको ये कह सकती हैं कि जब इनको अपनी सहमति जतानी होगी उस वक्त ये साफ तौर पे सांसदों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि चर्चाओं की बात आपने की थी मनीषा, चर्चा बिल्कुल इसमें कहीं दो मत नहीं। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये चिराग पासवान का घर है और चिराग पासवान की चर्चा खूब रही, क्योंकि चिराग पासवान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो 5 सीटें चिराग पासवान को मिली थी, पांचों के पांचों जीती है, मतलब 100% रेशियो अगर किसी का रहा है तो चिराग पासवान का रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी इस पर वहाँ बिहार में बहुत डेंट लगा है, यूपी में डेंट लगा है, उसके बावजूद यूपी से भी कई सारे बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। और देखिए बड़े नामों की अगर फिर बात करें तो आप नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल जैसे बड़े और सरीखे नाम वो मौजूद हैं, अश्विनी वैष्णव का नाम भी मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कैबिनेट का जो प्रारूप है वो लगभग सब कुछ प्रधानमंत्री के विवेक और प्रधानमंत्री के पसंद पे होता है। और ऐसे भी कहा जाता है कैबिनेट में किसको क्या जगह मिलेगी ये सब कुछ प्रधानमंत्री पर तय होता है। मैं एक तस्वीर आपको जरूर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरूर दिखाएं, ये 23 नंबर है और यहाँ कार्यकर्ताओं का मिलान भी धीरे धीरे होने लगा है। धीरे धीरे अब वो, क्योंकि नेता अभी जो है ये प्रधानमंत्री निवास में मौजूद है। अभी बैठक खत्म हुई है मनीषा, अब वहां से सब लोग अपने अपने घरों जाएंगे और तैयारी करेंगे। 7 बजे तक सबको पहुंच जाना है राष्ट्रपति भवन में। जो शपथ लेने वाले हैं वो थोड़ा और पहले पहुंचेंगे और जिन लोगों को वहां बुलाया गया है, क्योंकि आज बहुत भव्यता दिखेगी, आपको पता होगा बहुत भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कई सारे देशों के राष्ट्रदूत यहां पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकती कि दिल्ली इस वक्त, आपने सही कहा था कि दिल्ली इस वक्त केंद्र बिंदु है, तो वाकई केंद्र बिंदु है। 3.0 नरेंद्र मोदी सरकार का गठन होने जा रहा है, आज शपथ ग्रहण समारोह है और मैं टिकी हुई है कि आखिरकार कौन कौन से नाम क्या जिनकी चर्चाएं हैं वो वाकई में कैबिनेट में शामिल होते हैं या फिर कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, मैं अभिषेक जी का रुख कर लेती हूं। अभिषेक दीक्षित जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या विजन हो सकता है पीछे जिन नेताओं को, अभी जिन चेहरों को अभी फोन गया है, आपके अनुसार किनको फोन और जाना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड पर फोन जाना चाहिए या फिर उनको ऐड किया जाना चाहिए या फिर आगे कोई और रणनीति या फिर कोई और विजन हो सकता है सरकार का? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो भाजपा की कार्यशैली रही है उसमें कहा जाता है कि दायां हाथ जब काम करता है तो बाएं हाथ को खबर नहीं मिलती है। तो भाजपा, ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं आशिफ के मार्गदर्शन में। पिछले 10 सालों से ये देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर हम जैसे युवा सांसदों को उनके अनुभव से सीखने की बहुत ज़रूरत है। उन्हीं का अनुभव का आज लाभ लेने हम लोग वहाँ गए थे। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को बताई, जो हम लोग के लिए सीखनी भी ज़रूरी हैं। आज बहुत इनफॉर्मल बातचीत
प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर हुई। 100 दिन के एजेंडे की बात की गई योजना, ये आने वाले दिनों में सारी बातें सामने आएगी। चिराग पासवान को हम सुन रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पर उनसे चर्चा की है, कई चेहरे यहाँ पर शामिल रहे और बड़े इनफॉर्मल तरीके से उन्होंने इस बार बात की है, अनौपचारिक तरीके से बात की है। ठीक है, इन तस्वीरों पर लगातार हमारी नजर रहेगी। अभिषेक जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि भाजपा की जो कार्यशैली रही है, दायां हाथ अगर काम करता है तो बाएं हाथ के बारे में जानकारी नहीं रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार घटक दलों के साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा और मुझे लगता है नए नए क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिलेगा इस बार मोदी सरकार में। जैसे उड़ीसा है, वहां से भाजपा 6 नंबर लेकर आई है, जैसे तेलंगाना है, वहां से भाजपा 6 नंबर लेकर आई है। बिहार में ये देखना होगा कि बिहार में भाजपा कैसे अपने लोगों को इस बार सेट कर पाती है, क्योंकि वहां पर चिराग पासवान भी है, नीतीश कुमार भी है, जो एनडीए के मुख्य घटक दल हैं, तो उनकी पार्टी को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, तो भाजपा के लोगों का प्रतिनिधित्व घटेगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी देखना होगा, क्योंकि भाजपा के सांसद बाहर घटे हैं लेकिन अभी भाजपा के सहयोगी दल हैं, उनको भी पर्याप्त मौका देना पड़ेगा। तो इस बार जो स्वरूप होगा उसमें बहुत बदलाव होगा, नए लोग जुड़ेंगे, नए क्षेत्रों भागीदारी भी सरकार में बढ़ेगी, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है अभिषेक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आशिफ इकबाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए। आशिफ जी, आप ये जो हमने बातें अभी सुनी, चिराग पासवान है आपसे कहते हुए नजर आए कि बड़े इनफॉर्मल तरीके से प्रधानमंत्री नजर आए हैं और उनका अनुभव जानने का मौका चिराग पासवान को मिला है, और चिराग पासवान तो लगातार हम तो कहते हैं, वो भी एक खुद कहते हैं कि मैं तो हनुमान हूं उनका, और उसी तरीके से वो उनको मानते भी हैं, तो अनौपचारिक मुलाकात एक तरीके से कहा जाए कि चाय पर चर्चा की गई, कितनी खास सी मुलाकात हो जाती है, कितनी खास सी चर्चा है? बिल्कुल, देखिए बहुत खास है, क्योंकि ऐसे अगर आप देखिए तो देखिए कैबिनेट में बैठना, प्रधानमंत्री से ऐसे मुलाकात करना, फॉर्मली आप बातचीत करने पहुंचते हैं वो अलग, इनफॉर्मल तरीके से जब प्रधानमंत्री आपको कुछ बताने के लिए बुला रहे हो, प्रधानमंत्री आपको कुछ समझाने के लिए बुला रहे हो, प्रधानमंत्री कुछ ज्ञान की बातें देने के लिए बता रहे हो, प्रधानमंत्री साफ तौर पर इस बार पहली बार होगा जब एनडीए की सरकार चलाएंगे, सहयोगियों की सरकार चलाएंगे, सहयोगियों से भी वो उम्मीद करेंगे साथ की, और उनके साथ के लिए इसलिए इन तमाम लोगों को बुलाया गया। और जिस तरीके से चिराग के चेहरे से हाव भाव से समझ में आ रहा था कि प्रधानमंत्री ने जरूर कुछ ऐसे ऐसी चीजें बताई हैं उनको जो लेकर वो लोग आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए प्रधानमंत्री के अनुभव को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और प्रधानमंत्री का जो अनुभव है उसको ऑब्जर्व करना है, उनसे बहुत कुछ सीखना है और हम सीख कर आगे बढ़ने वाले हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब बुलाया तो बहुत सहज तरीके से उन्होंने बातचीत की। और मैं आपको बताऊं मनीषा की बातचीत जो बुलाया गया था, मात्र माना जा रहा था कि 10 से 15 मिनट की मुलाकात होगी, चाय पियेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिराग पासवान के साथ अगर हम बात कर ले, चिराग पासवान की जो मीटिंग हुई, लगातार लोगों के साथ मीटिंग हुई, एक घंटे से ज्यादा ये बैठक चली, चाय पे चर्चा 1 घंटे से ज्यादा चली, तो इसका मतलब आप समझ सकती हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या गुण दिए होंगे। और जब इनसे पूछा गया कि 100 दिन का एजेंडा क्या है, तो उन्होंने कहा कि 100 दिन का एजेंडा हम आगे बताएंगे, सरकार बनने दीजिए, सरकार बनने आगे के दिनों पर भी लगातार जो नजरें हैं लोगों की और खास तौर पर सबकी बनी रहेंगी। ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान है, मैं जरा उनका भी रुख कर लेती हूँ। विनम्र सेन जी हमारे साथ बने हुए। विनम्र सेन जी, आप जिस तरीके से लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है, चाय पर चर्चा चल रही है, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, आप कुछ लोग आउट और कुछ लोग इन हो सकते हैं, किन बड़े चेहरों को इस बार जगह मिल सकती है आपके अनुभव के हिसाब से, आपका आकलन क्या कहता है, क्या समीकरण इस बार सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है कैबिनेट में? देखिए, एक तो यह है कि इस बार समीकरण बिल्कुल भाजपा के पूर्व की सरकारों से बदला हुआ है। सभी लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत की सरकार नहीं बना रही है, इसलिए एनडीए के समर्थन से बन रही है वो, और वो समर्थन की सरकार, गठबंधन की सरकार का असर आपको मंत्रिमंडल के बनने में दिखाई पड़ेगा। प्रभावी ढंग से टीडीपी और जेडीयू अपना अधिकार मांगते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, अधिकार पाते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको कैबिनेट में, या एमओएस के रूप में, या स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में, इस रूप में अधिक से अधिक मंत्री पद पालने की होड़ एक तो आपको दिखाई पड़ रही है इस बार सरकार में। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से, मोदी की तरफ से, मोदी क्योंकि आप सब जानते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड गुजरात से लेकर पिछले लोकसभा में मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के तौर पर, कि वो समझौते की सरकार चलाने के उतने आदी नहीं है, तो कैसे उस समझौते की सरकार को मैनेज कर पाएंगे? ऐसे में अपने जो खड़े फैसले के लिए या जो एक तरफा फैसले के लिए मोदी सरकार जानी जाती थी, जो फ्रंट फुट पर राजनीति करने के लिए जानी जाती थी, वो कैसे एडजस्टमेंट होगा
ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी सरकार में मंत्री पद तो ये तय है कि जिस राज्यों से जितना प्रतिनिधित्व है, जैसा कि अभी कुछ पिछले वक्ता कह रहे थे कि उड़ीसा से मंत्री बढ़ने की उम्मीद है, मध्य महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय मंत्री थे वो ढेर सारे केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए तो उनका मंत्रालय जाना तय है, उसके एवज में और मंत्री बनेंगे या उनका उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के हिसाब से ही मंत्री पद मिलता है मिलेगा। जैसे पिछली बार 12 प्रतिनिधि थे उत्तर केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के, निश्चित तौर पर इस बार 33 सीट पाई है तो मंत्री पद कम होंगे। ऐसे में अनुप्रिया पटेल जैसे पार्टी को फायदा भी मिल रहा है, अकेले सांसद है, जीती है, फिर भी मंत्री पद मिल सकता है। तो ये सारा समीकरण तो चल ही रहा है, लेकिन इस सारे समीकरण पर भारी ये है कि सरकार कैसे, किस हिसाब से मोदी जिस हिसाब से सरकार चलाने के आदी है, जिस हिसाब से कंट्रोल करके सरकार मंत्रालयों पर पूर्ण रूप से कंट्रोल रहता था पीएमओ का, वो कैसे कंट्रोल स्थापित हो पाएगा, असली देखने की बात तो ये है। बिल्कुल ठीक है। और ये हम साथ ही साथ टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी चला रहे हैं जिस तरीके से वो तमाम लोगों के साथ, नेताओं के साथ बातचीत करते हुए नजर आए थे, और ये चाय पर चर्चा इसका नाम दिया गया था कार्यक्रम का, और इसमें तमाम लोगों की वो मौजूद की भी, लिहाजा काफी मायने ये तस्वीरें हैं, काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। ठीक है, मैं रेजिडेंट एडिटर उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए संजय श्रीवास्तव जी, उनका रुख कर लेती हूँ जल्दी से। संजय जी, उत्तराखंड में किन नामों को लेकर अभी फिलहाल स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले तो केवल अटकलें थी, सुगबुगाहट थी कि क्या अनिल बलूनी का नाम जा सकता है सामने, या फिर अजय टम्टा जैसे नेताओं का नाम सामने आ सकता है। अभी फिलहाल आपके पास क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, क्या किसी नाम को लेकर फिलहाल स्पष्ट तौर पर कोई मुहर लगी है क्या? संजय जी, मुझे लगता है गलती से आपने आपको म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए उसके बाद, ताकि आप सही तरीके से अपनी बात रख पाए। जी, सबसे महत्वपूर्ण, देखिए उत्तराखंड देवभूमि प्रधानमंत्री के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, और उस देवभूमि पे अगर आज माने तो पिछली भी सरकार में जब भी प्रधानमंत्री की पद पे मोदी जी रहे हैं तो यहाँ के प्रतिनिधि दिया गया है, ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड को प्रतिनिधि दिया जाएगा। दरअसल यहाँ पे केवल 5 सीटें लोकसभा की है और 3 राज्यसभा की है, तो ये महत्वपूर्ण होगा कि आज भी सुबह से जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, अभी तक हमें जो जानकारी के अनुसार चाय पे के लिए अभी तक किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया है, और जो आपने अनिल बलूनी का नाम लिया, अजय टम्टा का नाम लिया, अनिल बलूनी मीडिया के प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के, उन लोगों में अगर हम जाते हैं तो वहां ये माना जाता है कि अगर पहली पंक्ति में पहला नंबर किसी का होगा तो अनिल बलूनी का होगा। लेकिन जिस तरह से सुबह से हम लोग देख रहे हैं और चैनलों पे चल रहा है, अभी तक उत्तराखंड फोन नहीं गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है, हो सकता है जो गठन हो रहा है ना ले, हो सकता है कि अगले चरण में ले, यानी अंतिम समय तक नजरें जो है वो बनी रहनी चाहिए कि आखिरकार उत्तराखंड से किसी नेता का सामने आता है नाम, सांसद का नाम सामने आता है क्या कि नहीं आता है। ठीक है, पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ बने हुए, पंकज रस्तोगी जी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब सरकार गठन को लेकर चर्चाएं थी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे थे कि हम अभी फिलहाल तो सरकार के गठन पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई सवाल निशान नहीं खड़े करेंगे, हालांकि आगे हम अपनी रणनीति जरूर बनाएंगे, तो उनके उस बयान को किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, पहले तो एक बात समझ लीजिए मनीषा जी की प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो नेहरू जी के बाद ये दूसरे ऐसे देश के प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और दूसरी चीज, कांग्रेस को वो दिन भूल जाना चाहिए कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार 2006-2004 में 145 सांसद थे कांग्रेस की, और कांग्रेस 5 साल सरकार चली मनमोहन सिंह की, और उसके बाद 2009 में 206 सांसद थे, उसके बाद 5 साल सरकार चलाई। तो कांग्रेस को ये भी देख लेना चाहिए इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटों पे है, और घटक दलों का भी उसको साथ है, एनडीए गठबंधन पूरी तरह उसके साथ है, ये सरकार पूरी तरह 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और अपने तयबद्ध एजेंडे के तहत काम करेगी।
और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह का उनका नेचर है, नेचर और सिग्नेचर किसी व्यक्ति का कभी भी नहीं बदल सकता, ये मैं अच्छी तरह आप सभी को मालूम है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी अपनी नीतियों को और अपने चीजों को कोलेशन के साथ एक मकान कहना चाहूंगा कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे 2001 में, उस समय भी वो किसी सदन के नहीं थे और कहीं भी उनको कोई राजनीतिक पार्टी में जरूर लगे थे, पार्टी को जरूर आयाम तक पहुंचाया गुजरात में, लेकिन उनको पहली बार वो मुख्यमंत्री डायरेक्ट बने थे। ये कहना कि गठबंधन दलों के साथ दिक्कत आएगी ये उनका, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए का साथ बहुत पुराना रहा है, टीडीपी पुरानी साथी रही है, नीतीश कुमार पुराने साथी रहे हैं और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है, टीडीपी ने भी स्पष्ट कर दिया है। और वहां देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है तमिलनाडु में, अरे सॉरी आंध्रा में राजधानी का, और जब से चंद्रबाबू नायडू गए उसके बाद से वहां की अमरावती राजधानी मूर्त रूप नहीं ले सकी, और 2 जून का उसका समय समाप्त हो गया है, और उसके लिए जो जगन रेड्डी थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, तीन तीन जगह पूर्ण राज्य का, हाँ पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की भी यहाँ पर मांग थी स्पेशल स्टेटस को लेकर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार अपनी बात करते नजर आए, हालांकि जब सरकार का गठन होगा, जब कैबिनेट का गठन होगा, तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिन मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों को सर्वसम्मति मिलती है या फिर किसी प्रकार की, क्योंकि हम देखते आए हैं सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वभाव में और उनके हाव भाव में है कि वो बड़े खुले दिल से और बड़े ही विश्वास के साथ कोई फैसला करते हैं और उसके बाद वो उस फैसले को पलटते नहीं है। इसके बाद कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले आएंगे, दिन आएंगे जहां पर हमें देखना होगा कि क्या ये गठबंधन दल, ये जो सहयोगी दल है, वो उन फैसलों में साथ देते हैं या नहीं देते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है अपने दर्शकों तक हम साझा करते चले। तो इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण पर सबसे बड़ी खबर वो ये कि यूपी से करीब 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं राजनाथ सिंह। जितिन प्रसाद का मंत्री बनना लगभग तय हो चुका है, ये सूत्र बता रहे हैं अनुप्रिया पटेल। महेश शर्मा का मंत्री बनना तय है, तो उत्तराखंड से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। कौन कौन से, देखिए अजय टम्टा और त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है, तो उत्तराखंड से 2 नाम आगे चल रहे हैं जिनका जो चर्चाएं हैं वो ज्यादा चल रही हैं। इंडिया न्यूज़।